HDP सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है त्वचा एवं संलेष्मी झिल्लियों पर कार्य करने वाली औषधि। तो त्वचा और संलेष्मी झिल्लियों पर कौन कौन सी औषधि कार्य करती हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, और त्वचा के अलावा और किस तरह औषधि कार्य करती हैं। तो त्वचा पर निम्न औषधि कार्य करती हैं, जैसे पैराफिन, लार्ड जिसको हम चर्बी कहते हैं, वैक्स, साबुन आदि ये त्वचा पर कार्य करती हैं। त्वचा के अलावा ये आंतरिक अंगों पर भी पशुओं में विभिन्न तरह कार्य करती हैं। तो सबसे पहले औषधि के बारे में करेंगे हम अध्ययन पैराफिन। यह एक सॉलिड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जो निम्न प्रकार का होता है, यानी पैराफिन निम्न प्रकार का होता है, हार्ड पैराफिन, येलो पैराफिन और वाइट पैराफिन तथा लिक्विड पैराफिन। ये तीनों पैराफिन मुख्य रूप से ऑइंटमेंट बनाने के काम में लिए जाते हैं और शल्य चिकित्सा में औजारों को लुब्रिकेंट के रूप में काम लेते हैं, यानी औजारों को चिकनाहट उत्पन्न करने के लिए काम लेते हैं, तथा पैराफिन का उपयोग दवाई में उपयोग करके खाज खुजली यानी त्वचा को ठीक करने में भी उपयोग लेते हैं, तथा आंतरिक रूप में भी पैराफिन का उपयोग किया जाता है, जैसे पशु के आंतों में रुकावट अथवा कब्जी होना तथा गुदा मार्ग में छाल होना आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है, और लिक्विड पैराफिन का उपयोग लैक्जेटिव के रूप में भी करते हैं। अब अगली औषधि है चर्बी, जिसको हम लार्ड के नाम से जाते हैं, जो सुअर के आंतरिक अंगों से प्राप्त की जाती है, उसे हम चर्बी या लार्ड के नाम से जाना जाते हैं। चर्बी जो भेड़ के पेट से प्राप्त की जाती है उसे हम सट के नाम से जानते हैं। तो पशु चिकित्सा में इसका उपयोग वही ऑन्टीमेंट व ब्लिस्टर बनाने में किया जाता है। अगली औषधि है वैक्स या मोम। यह भौतिक रूप से चर्बी व तेल जैसा अर्ध ठोस पदार्थ होता है जो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है, तो इसका उपयोग भी प्लास्टर बनाने में, ऑन्टीमेंट बनाने में तथा पॉलिश बनाने में किया जाता है। अगली औषधि है साबुन। यह एक डिटर्जेंट के रूप में काम लिया जाता है जो ठंडे पानी में कम घुलनशील तथा गर्म पानी में अधिक घुलनशील और अल्कोहल में अधिक घुलनशील होता है, तो इसका उपयोग भी ऑल टर्पेंटाइन के साथ लिनिमेंट बनाने में किया जाता है, औजारों को लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है तथा लैक्जेटिव, एनीमा, सबोस्ट्री आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग आंतरिक रूप से बंद पड़ जाने पर एनीमा के रूप में साबुन का घोल तैयार करके पशु को चढ़ाया जाता है। तो ये त्वचा पर और संलेष्मी झिल्लियों पर औषधि कार्य करती हैं, चाहे आंतरिक रूप में हो चाहे बाहरी रूप में हो। तो आज हमने अध्ययन किया था त्वचा व संलेष्मी झिल्लियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।